फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिक्शनरी टीम। आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग मेथड लेकर आई हूँ, जो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या आपको करना है, कैसे करना है, हर एक चीज मैंने आपको आगे वीडियो पर बताई है, आपको काफी सारी टिप्स भी दी है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए तरीकों से ना आप बाकी और भी अर्निंग के बहुत सारे तरीकों को यूज करके अर्निंग कर सकते हो। ऐसे कुछ टिप्स मैंने आपको दी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपने फोन से भी ये काम कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी ये काम कर सकता है। कोई स्पेशल डिग्री या स्किल्स नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से आप इस काम को कॉपी पेस्ट वाले मेथड से भी कर सकते हो। आप चाहो तो एडिट एंड अपलोड वाली मेथड से भी कर सकते हो। किसी भी मेथड से आप इस वर्क को कर सकते हो। जो आपका फेवरेट मेथड हो, जो आपको पसंद है, उसी से आप काम को आगे बढ़ाओ और अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से इसको लाइक एंड शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन अर्निंग एप्स एंड मच मोर। तो चलिए अब जल्दी से हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका नाम है IndusServer.net। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पे वेब होस्टिंग, क्लाउड VPA, स्टोरेज सर्वर्स, काफी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसकी अच्छे से डिटेल ले सकते हो यहाँ से। जितना आप रीड करोगे उतने अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं रीड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको वो चीज याद रहे, क्योंकि आगे काम आने वाली है बहुत ज्यादा। अब आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अफिलिएट प्रोग्राम का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब तक ये पेज ओपन होता है मैं आपको इसका ट्रस्ट स्कोर दिखा देती हूँ। आपके सामने ही मैं इस सर्च करूंगी इसका ट्रस्ट स्कोर। हमने इसकी लिंक कॉपी कर ली है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सिंपल से। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका ट्रस्ट स्कोर काफी हाई है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम है और ट्रस्ट स्कोर 100 out of 100 है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो इस वेबसाइट पे। अब वापस चलते हैं हम IndusServer.net वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अफिलिएट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। कितना आप अर्न कर सकते हो, $100 पर कस्टमर पे आप अर्न कर सकते हो। पेपाल से आपको पेमेंट मिलेगी। 90 रेफरल पीरियड है, यहाँ पे आप रेफर भी कर सकते हो लोगों को। जितना वो अर्न करेंगे आप भी अर्न करोगी। और यहाँ पे कस्टम कूपन कोड्स का भी ऑप्शन है और कस्टम लैंडिंग पेजेस का भी, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे और भी डिटेल्स आप रीड कर सकते हो। अब चलिए सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा हर एक चीज को समझने के लिए, तो साइन अप नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये साइन इन पेज है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने आ चुका है साइन अप फॉर्म। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, एक पासवर्ड सेट कर लेना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, आई अग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इस छोटे से बॉक्स पे आपको टिक करना है। इसका मतलब है कि आप इनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज से अग्री करते हो, और क्रिएट अकाउंट पे कर देना है क्लिक। अब आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाली है, उस ईमेल आईडी पे इनकी तरफ से एक मेल आया है जिसमें एक सिक्योरिटी कोड है, आपको वो कोड यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये कोड आ चुका है, मैं इसको कॉपी करूंगी यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगी। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपका ना साथ के साथ अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है अकाउंट के लिए। अब आपको यहाँ पे अपनी अफिलिएट लिंक कहाँ से मिलेगी, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको मिल चुकी है अपनी अफिलिएट लिंक। आप इसको कॉपी करोगी, कॉपी हो चुका है। अगर हम इसको न्यू टैब में ओपन करके देखें तो ये इस टाइप से नजर आएगा। जिस भी पर्सन को आप यहाँ पे रेफर करना चाहते हो, आप उनको जब रेफर करोगे, जो लिंक दोगे, उन लिंक को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस उनको शो होगा। उनको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि काफी ईजी है। यहाँ पे अगर होस्टिंग खरीदनी है तो यहाँ पे 65% ऑफ चल रहा है, $2.50 पर मंथ में होस्टिंग यहाँ से मिल रही है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी सारे के सारे ऑफर्स जितने भी है ना, उनको यहाँ पे शो हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सामने वाले को खरीदने में दिक्कत रहेगा। 30 days गारंटी है यहाँ पे, और सबसे मेन चीज 24/7 सपोर्ट है, जो काफी सारी वेबसाइट्स पे रहता है, बट इस वेबसाइट का मुझे काफी पसंद आया है।
ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो एक दो बार बात करके फिर वो बंद ही कर देते हैं, बात करना रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। कि इस हिसाब से मुझे काफी अच्छी वेबसाइट लगी है। अब आपका काम कितना है, आपको बस अपनी लिंक शेयर करनी है। किन लोगों को शेयर करनी है, कहाँ शेयर करनी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको यहाँ से लिंक कॉपी करनी है, आना है चैट जीपीटी पे। हम चैट जीपीटी को ना काफी टाइप से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है कि हम किन किन तरीकों से चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। अपनी सेल्स भी हम ला सकते हैं, सीपीए ऑफर पे भी हम ट्रैफिक ला सकते हैं, हम यूआरएल शॉर्टनर की जो लिंक हम शॉर्ट करते हैं, जिसपे हमें व्यूज चाहिए होते हैं, क्लिक्स चाहिए होते हैं, उसके लिए भी हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। हमें आर्टिकल सेल करने हैं तो वहां से काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हमें मिल जाते हैं, जिनको हम स्पिन करके अपने वर्ड्स में लिख के सेल कर सकते हैं आराम से। अगर हम अपने वर्ड्स में भी लिखते हैं ना उन आर्टिकल्स को, एक बार उसको रीड कर लो, फिर आप अपने वर्ड्स में लिखो, तो भी वो आराम से सेल हो जाता है। तो उसमें फिर कॉपीराइट का इशू नहीं आता या एआई डिटेक्शन का नहीं आता है। मान लीजिए कि आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम चैट जीपीटी से बहुत इजीली से कर सकते हैं। और आज भी हम चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं अपनी लिंक को प्रमोट करने के लिए। अब आपको जहां भी प्रमोट करना है ना, आपको वहां के लिए यहाँ से कॉन्टेंट मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप फेसबुक पे प्रमोट करना चाहते हो, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखो क्रिएट अ फेसबुक पोस्ट फॉर प्रमोटिंग इंटर सर्वर, या फिर आप होस्टिंग लिख सकते हो, इंटर सर्वर होस्टिंग, और उसके बाद आपको प्रेस कर देना है एंटर, और आपके पास एक फेसबुक पोस्ट क्रिएट मिलेगी। आपको ना बस वो कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, और आप एक अच्छी सी इमेज ले सकते हो, लाइक पिक ले सकते हो। आप चाहो तो इंटर सर्वर कि जो वेबसाइट है ना, यहीं से कोई अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर उसके जो प्राइजेस होते हैं ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आप कैनवा से भी क्रिएट कर सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है, क्योंकि मेन जो मटेरियल है ना वो आपको क्रिएट किया हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत आती है कि अगर किसी चीज को हमें प्रमोट करने के लिए पोस्ट लिखनी है तो वो हम कैसे लिखें, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है आपको कैसे करना है। कॉपी पेस्ट वाला मेथड है। अगर आपको एक पूरा आर्टिकल लिखवाना है, मान लीजिए medium.com वेबसाइट है जहां पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है मंथली, और मोस्टली आता है यूएस से, तो वहां पे आपके सेल्स आने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अगर वहां के लिए आपको आर्टिकल लिखवाना है, तो सिंपल से आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोल देना है, और इमेज आपको कहाँ से मिल जाएगी, वेबसाइट से मिल जाएगी, या फिर आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो खुद। और यहाँ पे ना आपको हैशटैग्स भी यहाँ पे एडेड मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पोस्ट है ना वो ज्यादातर इन हैशटैग पे रैंक भी करेगी। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि नंबर वन पे रैंक कर जाएगी, सबको सबको दिख जाएगी, नहीं, बट फिर भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ से मिलता है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट लिंक है ना, यहाँ पे आपको अपनी अफिलियट लिंक लगा देनी है, ठीक है, जिससे कि जितने भी लोग यहाँ पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाएं, कुछ भी बाय करें, उनका परसेंटेज आपको मिले। आई होप आप पूरी स्ट्रेटेजी समझ चुके हो। आपके पास ना बहुत सारे तरीके हैं प्रमोट करने के, उनमें से ना आपको अपने लिए एक चूज करना है, और कम से भी कम 1 से 2 हफ्ता आपको उस एक तरीके को यूज करना है, अच्छे से उस पर अच्छे से वर्क करना है। अगर आप फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो दिन में कम से भी कम 3 पोस्ट क्रिएट करो, अलग अलग ग्रुप्स में उनको शेयर करो, अलग अलग ग्रुप्स आप ज्वाइन करो, वेब होस्टिंग रिलेटेड या फिर स्टोरेज रिलेटेड, जितने भी प्लान्स ये दे रहे हैं ना, जितने भी अलग अलग टाइप के सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां पे शेयरिंग करो। जब आप वहां पे शेयरिंग करोगे ना, तो आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और उन भी ग्रुप्स में आप शेयर करो, जैसे कि ये वेब होस्टिंग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों को जरूरत होती है ना जो वेबसाइट बनाते हैं, तो उन ग्रुप्स को भी आप ज्वाइन करो। थोड़ा सा आपको सोचना है, वेब होस्टिंग कौन खरीदते हैं, ऑब्वियसली जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो वेबसाइट डिजाइनर्स वाले ग्रुप्स भी आपको यहाँ पे सर्च करने हैं, वेब डेवलपमेंट वाले ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आपको अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा। सेम अगर आप आर्टिकल के जैसे कर रहे हो, तो आपको दिन में कम से भी कम 2 आर्टिकल जरूर से डालने हैं medium.com पे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिस्पांस देखने को मिले। और अगर आप थोड़ा सा लेवल अप करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक वेबसाइट ले लो जहां से आप कीवर्ड ढूंढ सकते हो। बेस्ट है गूगल कीवर्ड प्लानर, अगर आप यूज करते हो तो बेस्ट है, वहां से आपको कीवर्ड निकालने हैं, किसके रिलेटेड, वेब होस्टिंग के रिलेटेड, ठीक है, वेबसाइट होस्टिंग के रिलेटेड, वेब होस्टिंग के रिलेटेड, स्टोरेज के रिलेटेड, क्लाउड वीपीएस से रिलेटेड, ऐसे आपको कुछ कीवर्ड्स निकाल लेनी है, और चैट जीपीटी को बोलना है कि राइट अ आर्टिकल विद दिस कीवर्ड ऑन दिस अफिलिएट प्रोग्राम। मान लीजिए इंटर सर्वर के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए भी आप उसका नाम ऐड कर सकते हो। आपको बना बनाया आर्टिकल मिल जाएगा, एक इमेज लगानी है और कॉपी पेस्ट कर देना है।
अदरवाइज आप थोड़ा और सिक्योर रहना चाहते हो तो आपको वो आर्टिकल पढ़ के अपने वर्ड्स में लिख देना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में आपका आर्टिकल रेडी हो जाएगा अगर आप खुद भी लिखते हो तो उसको अपने वर्ड्स में। बहुत सिंपल मेथड है बट आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आई होप आप सब कुछ समझ चुके हो अच्छे से आपको क्या कैसे करना है। अगर स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है ना तो कमेंट में जरूर से पूछना। अगर आपको और भी ऐसी एफिलिएट वीडियोस देखनी है तो एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगी जिनका रिस्पांस काफी अच्छा मिला है, लोगों को काफी बढ़िया बढ़िया सेल्स आई है, तो आप भी उन चीजों को ट्राई आउट कर सकते हो। अदरवाइज और जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम्स अच्छे अच्छे मुझे मिलेंगे मैं उन्हें लेके आती रहूंगी, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजीज भी लाती रहूंगी जिससे कि आपको काफी ईजी होगा सेल्स लेने में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसको लाइक एंड शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे रिलेटेड टू हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन अर्निंग एप्स एंड मच मोर। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।